उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले करीब डेढ़ दर्जन कांग्रेस, बसपा और अलग अलग दलों के नेता, पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशी और संगठन के पदाधिकारियों ने शनिवार को बीजेपी का दामन थाम लिया। उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में अब चंद महीने बचे हैं, पर चुनाव से पहले कांग्रेस, बसपा समेत कई दलों को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आज करीब डेढ़ दर्जन कांग्रेस, बसपा और अलग अलग दलों के नेता, पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशी और संगठनों के पदाधिकारियों ने शनिवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली। इन नेताओं में बिजनौर के चार बार के विधायक रह चुके डॉक्टर इंद्र देव सिंह का नाम भी शामिल है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित ने शनिवार को मीडिया को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में विभिन्न जिलों से आए पूर्व विधायकों, पूर्व प्रत्याशियों और प्रमुख नेताओं को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई है। दीक्षित के अनुसार बिजनौर के पूर्व विधायक डॉक्टर इंद्र देव सिंह, नगीना सीट से पूर्व विधायक सतीश कुमार, जालौन के पूर्व विधायक छोटे सिंह चौहान, हरदोई के कांग्रेस प्रत्याशी ओमेंद्र कुमार वर्मा, संत कबीर नगर के सामाजिक कार्यकर्ता अंकुर राज तिवारी, बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर रंजन कुमार चौधरी, हरदोई गोपामऊ की पूर्व प्रत्याशी मीना कुमारी, देवरिया के पत्थर देवा से पूर्व बसपा प्रत्याशी नीरज कुमार वर्मा को भाजपा की सदस्यता दिलवाई गई है। उन्होंने बताया कि कासगंज नगर पालिका में तीन बार की चेयरमैन रही शशि लता चौहान, सहारनपुर के सुशील चौधरी, गौतम बुद्ध नगर के कुलदीप भाटी, जालौन के कांग्रेस के पूर्व जिला पंचायत सदस्य महेश तिवारी, आम आदमी पार्टी के कानपुर के नेता रोहित सक्सेना, जालौन के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी गिरीश अवस्थी, बिजनौर से कांग्रेस नेता रोहित कुमार रवि और प्रधान संघ की अध्यक्ष व लखनऊ के अटारी ग्राम की प्रधान संयोगिता चौहान भी अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गई हैं। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री गोविंद नारायण शुक्ल और प्रदेश सह मीडिया प्रभारी हिमांशु दुबे भी मौजूद रहे।